प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो निकाय चुनाव की सुबुगाहट तेज हो गई है। भले ही अभी तारीखों की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी बिसाते बिछने लगी हैं। वही बीजेपी से लेकर सपा बसपा कांग्रेस, यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां भाजपा ने 6 MLC सूची के जरिए जातीय समीकरण को भी परोसा है, वही 6 MLC में 2 OBC 1 दलित 1 पसमांदा को शामिल करते हुए भाजपा ने अपने झंडे को धार दी है। तो वहीं एक वैश्य और एक ब्राह्मण को शामिल करते हुए अपने परंपरागत वोटर का भी भरोसा बनाए रखा है। तो वहीं सपा सुप्रीमो ने भी अपनी साइकिल को रफ्तार देते हुए बसपा संस्थापक काशीराम की प्रतिमा के अनावरण के जरिए दलित वोटर्स को अपने खेमे में लाने की तैयारी की है। जबकि बसपा ने आज यूपी के सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रत्याशियों के चयन से लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी को सौंपने का भी काम किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर सभी पार्टियों ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी रणनीति किस तरीके से तैयार की है। तो भाजपा ने पुरानों पर किया विश्वास, जातीय समीकरण का भी रखा ख्याल, MLC सूची के जरिए कार्यकर्ता एजेंडा दोनों साधे, धर्म का बाजारीकरण बैठा लेगा चुनावी समीकरण, बसपा की बैठक में रणनीति पर मंथन, प्रदेश अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की बैठक, गांव गांव चल रहे अभियान की समीक्षा, युवाओं महिलाओं को साधने की कवायद, जिलों में नजर आएंगे दिग्गज नेता, अखिलेश देंगे काशी राम का संदेश, दलित वोटर्स को साधने की कवायद। तो 2024 से पहले लिटमस टेस्ट जो निकाय चुनाव का होने वाला है, उसमें बेस्ट कौन होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और उस रणनीति पर काम करते हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे वो नेता हो, अब सभी जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों द्वारा बयान भी दिया जा रहा है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ बयान अब सामने आ रहे हैं। अपना दल की लगातार तैयारी चल रही है, पहले से भी चल रही थी। चुनाव थोड़ा सा ब्रेक हो जाने के बाद अब कोर्ट का फैसला हो चुका है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और जो हमारे सहयोगी दल हैं उनसे बैठ करके वार्ता होने वाली है। हम लोग मिलकर के जिस तरह से गठबंधन में उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश की सरकार को चला रहे हैं, उसी तरह यहाँ भी नगर निकाय चुनाव भी हम लोग मिलकर ही लड़ेंगे। तो यूपी में सत्ता का सेमीफाइनल अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में निकाय चुनाव को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है यूपी में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि निकाय चुनाव के जरिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये समझने का प्रयास करती हैं कि आखिर जनता किसको पसंद कर रही है, जनता का पसंद कौन है, जनता का पसंदीदा प्रत्याशी या चेहरा कौन है या पार्टी कौन है। लेकिन उसके लिए जो तमाम पार्टियां हैं और अब तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जमीनी मैदान पर उतर चुके हैं और साथ ही साथ वोटर्स को लुभाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। तो वहीं भाजपा ने जो 6 MLC की सूची जारी की है उसमें 2 OBC 1 दलित 1 पसमांदा 1 वैश्य और 1 ब्राह्मण जाति के नेता का नाम शामिल किया है। और इसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने पुराने चेहरों पर विश्वास जताते हुए जाति समीकरण को भी साधने का पूरा प्रयास किया है। तो वहीं अब अखिलेश यादव भी रायबरेली में काशी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को अपने खेमे में लाने की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की आज यूपी में एक अहम बैठक हुई, निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। यूपी के तमाम 75 जिलों के जिलाध्यक्षों ने इस बैठक में शिरकत के साथ ही साथ निकाय चुनाव में किस तरीके से आगे रणनीति होगी, किस तरीके से आगे काम किया जाएगा, इस पर भी आज बसपा ने अपनी एक अहम बैठक की है।
तो निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने क्या कुछ तैयारी की है, क्या कुछ उनका एजेंडा है और क्या कुछ उन्होंने कहा जाए एक रोड मैप तैयार किया है, तमाम इस मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से, वहीं विवेक पांडे सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप सभी का प्राइम टीवी पे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो बीजेपी द्वारा 6 MLC की सूची जारी की गई है उसमें 2 OBC, 1 दलित, 1 पसमांदा, 1 वैश्य और 1 ब्राह्मण को शामिल किया गया है, तो इन सब सूची के जरिए भाजपा क्या कुछ संदेश और भरोसा प्रदेश की जनता में पैदा करना चाह रही है? देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की जनता को पहले से भरोसा है जी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भरोसे पे खरा उतारने की कोशिश हर समय करती है और कर रही है। जिस विधान परिषद सूची की आप बात कर रही हैं, जी, उसमें सब पुराने लोगों को तरजीह दी गई है जो एक लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के रीत नीति सिद्धांतों के साथ काम कर रहे हैं जी। उन लोगों को जी बताइए विवेक जी, कोई जी बताएं, आप कुछ पूछ रही थी। विवेक जी, आपने कहा कि आपने पुराने चेहरों को मौका दिया, नए चेहरे पर भरोसा नहीं जताने की वजह? पुराने चेहरों को मौका इसलिए दिया गया कि ये विधान परिषद की वो सूची है जो पार्टी कोटे से आती है, इसमें उन लोगों को मौका दिया गया है जो एक लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के रीति सिद्धांतों के तहत काम कर रहे हैं। और इसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति से बहुत दूर रहती है, हम जातिगत की राजनीति नहीं करते, फिर भी क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति एक सत्यता है, उस दृष्टिकोण से भी सूची बहुत ही संतुलित और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने वाली है जी। जी विवेक जी, जैसा कि अभी विवेक जी ने साफ तौर पर कहा, विवेक श्रीवास्तव जी ने, कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं और निकाय चुनाव की सूची भी जाति को देखते हुए कहीं ना कहीं निर्धारित नहीं की गई है जी। विवेक जी बताइए। देखिए पहले तो पूरे मंच को बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। विवेक श्रीवास्तव एक परिपक्व नेता है और जो भी वो बातें करते हैं पार्टी की तरफ से कभी कभी उनका थोड़ा सा दर्द छलक जाता है, क्योंकि सत्य का अनुसरण करने वाले आदरणीय विवेक श्रीवास्तव जी जानते हैं कि पार्टियों की भटक चुकी है अटल के सिद्धांतों से। मुझे लगता है एक समय था जोड़ तोड़ की राजनीति को चिमटे से न छूने वाले अटल जी के जो वक्तव्य थे उसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में किया है। मुझे लगता है 9-10 राज्यों में तो इनकी सरकार इसी तरह बनी है जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए। अब रही बात निकाय चुनाव की, जातीय समीकरण बिल्कुल ये साधने का प्रयास करें और करना भी चाहिए, हर राजनीतिक दल इसी तरीके से जातियों के समीकरण को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है, लेकिन इसका श्रेय कहीं ना कहीं जाएगा तो समाजवादी पार्टी के आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को ही, क्योंकि जब आपको याद होगा 92-93 में जब पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार जब आरक्षण को लागू किया गया था, SC आरक्षण, OBC आरक्षण, और उसके बाद उनको मुख्य धारा से जब जोड़ने का काम किया नेताजी ने, तो इस वर्ग से जुड़े लोगों के नाम के आगे जी लगने लगा, सम्मान दिया जाने लगा उनको। लेकिन क्या आज भाजपा उस सम्मान को बचाने में कायम रही? 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लीजिए, क्या वो जाति समीकरण के दायरे में आता है? क्या उस भर्ती को देखने के बाद आपको लगता है कि जाति के आधार पे लोग भाजपा पे विश्वास करेंगे? आप 2021 की UPSI भर्ती के भ्रष्टाचार को देख लीजिए भाई, 9,000 से अधिक जो भर्तियां हुई है दरोगा भर्तियां, उसपे क्या सारी जातियों के बच्चे नहीं थे जिनके साथ धोखा किया गया? भाई जिस तरीके से जातियों के नाम पे चुनाव में, सबसे बड़ी बात करने जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कई बार लगा चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार को तो न्यायालय से फटकार खाने की आदत ही है भाई। ट्रिपल टेस्ट का जो डायरेक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, आपको याद होगा महाराष्ट्र स्टेट के वर्सेस गवर्नी वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट के मामले में जो ट्रिपल टेस्ट का जो डायरेक्शन दिया गया था OBC आरक्षण को लेकर के, उसको हटाने का, उसको किसी तरीके से कुत्सित तरीके से लागू करने का प्रयास तो भाजपा ने किया था भाई। वो तो अगर न्यायालय का दखल नहीं होता तो ये तो उसमें भी कहीं ना कहीं हक मारने का काम करते। तो मुझे लगता है जातियों की बात भाजपा करे, पिछड़ों की बात भाजपा करे, OBC की बात भाजपा करे, SC की बात भाजपा करे, पसमांदा की बात भाजपा करे, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा हास्यप्रद लगता है। और एक बात कहना चाहूंगा, पसमांदा
ये बात बिल्कुल अच्छी बात है, पहली बार मुझे लगता है इतिहास में ये होने जा रहा है कि पसमांदा नेतृत्व को मुख्य धारा में लाने की कोशिश मजबूरी में करनी पड़ रही है भाजपा को, क्यों? लेकिन ये तो बता दीजिए, रमजान चल रहा है, जिस तरह नवरात्रि में 1 लाख रुपए का अनुदान आपने दिया 75 जिलों में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशी और रामायण की वो कथा करवाने के लिए, क्या रमजान में रोजा इफ्तार के लिए आप नहीं देंगे पसमांदा समुदाय या मुस्लिम समुदाय को 1 लाख रुपए का अनुदान? इसका जवाब भी दे दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास तो मुस्कान जी तभी सार्थक होगा जब हर समुदाय हर वर्ग के लिए एक जैसी नीतियां बनाई जाए। भाई एक वर्ग को आपने तो 1-1 लाख रुपए दे दिए, 75 लाख रुपए की चलिए आपने धनराशि आवंटित की, स्वागत योग्य कदम है, हम भी स्वागत करते हैं। हम तो ये मांग कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास को भी तो सार्थक करिए। मुस्लिम समुदाय का इतना बड़ा पाक त्योहार चल रहा है, भाई उनके त्योहार के रोजा इफ्तार के लिए क्या आप नहीं देंगे इस तरह की व्यवस्था? अगर नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की नियति पे सवाल तो उठता है और लाजमी है कि सवाल उठेगा। और मुस्लिम समुदाय हो चाहे कोई समुदाय हो, अपने बच्चों के मरते भविष्य को देख करके भाजपा पे भरोसा वही कर सकता है जिसकी आत्मा मर चुकी हो। बिल्कुल, लेकिन अब हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। ये आप पहली बार यूपी का निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में छोटे छोटे जो दल हैं वो भी तमाम जनपदों में एक्टिव हो चुके हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की यूपी के निकाय चुनाव को लेकर रणनीति क्या होगी? जी सैयद जी, सैयद जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। जिस तरीके से अभी कहा गया कि आपने रमजान के महीने में मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, आपकी पार्टी पर यह इल्जाम लगा है कि आपने 6 MLC की जो लिस्ट जारी की है उसमें 1 पसमांदा मुसलमान को तो शामिल किया है, लेकिन आपने निकाय चुनाव के लिए या यूं कहे कि रमजान के लिए मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया है? देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है जी। काम हम सबका करते हैं, तुष्टिकरण किसी का नहीं करते। पसमांदा समाज जिसको आप जोड़ के देख रही है जी, उनका एक लंबा अनुभव रहा है शैक्षणिक जगत में और उन्हें मौका दिया गया जी। इसी तरीके से जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि मजबूरी में, तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम मजबूरी में नहीं करती। दूसरी चीज जो उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या रोजा के दौरान क्या ही आप, ऐसा कोई विचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं किसी पर्व त्योहार के लिए उपलब्ध कराई जाती है वो कराई जा रही है। राम सर, तो फिर रमजान के लिए भी आप मूलभूत सुविधाएं दे दीजिए। देखिए रामचरित मानस मूलभूत सुविधाएं तो वहां मिल ही रही है, पानी बिजली तमाम चीजों की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित रहे। सर तो नवरात्र में हिंदुओं को भी तो पानी बिजली समय से मिलता था, लेकिन आपने 1 लाख रुपए दिए ना उनको। रामचरित मानस पाठ के लिए जो दिए गए उसका संदेश ये था कि जो लेवले समाजवादी पार्टी में टहल रहे हैं, जिनको रामचरित मानस के दोहों का ज्ञान नहीं है, वो इसी बहाने कम से कम रामचरित मानस पढ़ेंगे, उनका ज्ञानवर्धन होगा, आगे चल के वो समाज के प्रति कोई ऐसी बात नहीं करेंगे उस महाकाव्य के प्रति महाग्रंथ के प्रति जिससे लोगों का ध्यान भटके। और इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ का जो दिया गया कि नारियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदले जी। और लोग नारी शक्ति की उपासक हैं, उसका सम्मान करें, नारी इस सृष्टि का आधा भाग है और उसका सम्मान होना चाहिए। जो नारियों के प्रति अपराध की स्थिति उत्पन्न होती है उस मानसिकता से समाज को निजात मिले, समाज के शुद्धिकरण और आगे भविष्य के लिए इस तरह के कदम सरकार के लिए के द्वारा उठाए गए हैं जी। इसका सबको स्वागत करना चाहिए और रामचरित मानस तो लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए जी। विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए अभी इन्होंने जो महिला की बात की, महिला सम्मान की, मुझे लगता है कि ये महिला सम्मान तब इनको याद नहीं आता जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये सरकार छोड़ती है
और छोड़ने का काम करते हुए ये विपरीत दल के नेताओं को, रुक जाइए मेरी बात आ जाने दीजिए, अरे मेरी बात आ जाने दीजिए, आपकी बात को संयम से सुना मैंने, विपरीत विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से ये अलोकतांत्रिक तरीके से जेल भेजने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये सार्थक तो हो नहीं पा रहे भाई। चोर, अरे चोर तो अभी हम बता दे रहे हैं, साबित कर दे रहा हूं मैं भाई। देखिए भाजपा का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास ये है कि भाजपा जब भी सरकार में आई है इसने कर्मचारियों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। उदाहरण के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी से, हमारे उत्तर प्रदेश में एक बाबा जी हुआ करते थे जो सांसद हुआ करते थे कभी, तो वो ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए पत्र लिखा करते थे। आज मुझे जरा उनका एड्रेस या पता अगर मुझे मीडिया ढूंढ करके दे दे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पत्र जो था, आज वो सरकार भी शायद भाजपा की है, तो उस पत्र को क्रियान्वित करा दे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवा दे। भाई चुनाव जो होते हैं मुद्दों पे होने चाहिए, चुनाव केवल जुमलों पे नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या, आज भाजपा सबसे ज्यादा असहज महसूस क्यों करती है मुस्कान जी? भाजपा के सबसे ज्यादा असहज महसूस करने का सबसे बड़ा कारण है उनके अपने भाषण। भाई इनका मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, जिस महंगाई की बात करते थे उस महंगाई को नहीं कम कर पाए, ये नियंत्रित नहीं कर पाए। जिस शिक्षा और चिकित्सा की बात करते थे उस पर अमूल्य वृद्धि करते हुए शिक्षा माफियाओं को पोषित करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है चिकित्सा क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, वो तो राम भरोसे है, उसके लिए तो बाकायदा हाईकोर्ट भी ये स्टेटमेंट दे चुका है कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे ही चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, महंगाई बेरोजगारी से जब आगे बढ़ती हैं आप, इको गार्डन आपके अक्सर रिपोर्टर जाते होंगे, वहां जिस तरह से अभ्यर्थियों कर्मचारियों के लगातार हड़तालें जारी हैं, क्रियान्वित हो रही हैं, भाई मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं, आप संविदा को, संविदा नाम का जो एक अपाहिज जो एक जो बैसाखी है उसको आप नौकरी के आंकड़ों से जोड़ करके दिखाते हैं। और संविदा की स्थिति क्या है, संविदा की स्थिति यह है कि पहले नौकरी ज्वाइन कराने के पहले उनसे 2-3 महीने की सैलरी तनख्वाह एडवांस ले लेते हैं, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद तनख्वाह भी टाइम पे आएगी कि नहीं इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं। पूरी बात का निचोड़ एक है, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से राम भरोसे चल रहा है। आपको याद होगा एक 300 साल पुराने मंदिर के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि उत्तर प्रदेश जो है वो वहां पे जंगल राज कायम हो चुका है, हम उत्तर प्रदेश सरकार से तंग आ चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के। अब बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भाई मैं तो काली का उपासक हूं, मैं तो कहूंगा कि काली के भरोसे है, मैं तो अपने शासन को कहूंगा। और सबसे बड़े एनसीआरबी के आंकड़ों पे भी, एनसीआरबी के आंकड़ों को झुटला देते हैं। सबसे हास्यप्रद तो तब लगता है जब भाजपा के कार्यालय में बने हुए आंकड़े पोषित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उस पर चर्चाएं होती है और एनसीआरबी को झुटला दिया जाता है। तो भाई सवाल तो उठते हैं इनकी कार्यप्रणाली पे, इनकी सोच पे, इनकी नियति पे। अब एक उदाहरण देख लीजिए, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने में विफल है, मैं अक्सर पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश का वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है? कार्यकारी मुख्यमंत्री के माध्यम से चल रही है उत्तर प्रदेश एक तरह से। भाई एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली दौड़ते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, एक मुख्यमंत्री जो छापा मारते हैं छापा मार मुख्यमंत्री, लेकिन कार्यवाही कोई होती नहीं है, अधिकारी उनकी सुनते नहीं, और एक मुख्यमंत्री जो केवल निर्देशित देने का काम करते हैं, जो केवल अधिकारियों को निर्देशित करते हैं लेकिन अधिकारी उनको समझते ही नहीं कुछ। उदाहरण भी रख देता हूं, योगी आदित्यनाथ की परिपक्व राजनीति का उदाहरण सुन लीजिए आप। इन्होंने पूर्ववर्ती पुलिस स्मृति दिवस में 21-22 में घोषणा की सिम भत्ते की और मोटरसाइकिल भत्ते की। मैंने एक पोल किया था, मैं आपको पोल का स्क्रीनशॉट दे दूंगा ताकि आपकी भी ऑथेंटिसिटी बनी रहे, कल को आपके पास कोई फोन होना जाए अगर जन सूचना कार्यालय से आप वो दे दीजिएगा। तो उसमें 80% से अधिक लोग ये कहते हैं कि 75 जिलों में, कई जिलों में ये दोनों ही चीजें लागू नहीं है। अब आप इससे समझिए, जब अधिकारी मुख्यमंत्री की घोषित की हुई योजनाओं की गंभीरता को नहीं मानते हैं उत्तर प्रदेश में एक कार्यकारी संस्था के लिए जो कि कानून व्यवस्था से जुड़ी संस्था है, तो इससे समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का क्या महत्व रह गया है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, जो निकाय चुनाव है, अगर निकाय चुनाव को पूरी तरह से संपादित ईमानदारी से करने की नियति है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा इस बार पिछले बार की तरीके, जिस तरीके से इन्होंने समाजवादी पार्टी की महिलाओं का इस कलयुग में, इस जंगल राज में चीरहरण किया था सड़क पे, उसको कम से कम इस बार छोड़ दीजिएगा। किसी महिला का अपमान अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मत करवाइएगा। साड़ियां खींचना, चीरहरण करना, ये इनकी आदतों में शुमार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या, निकाय चुनाव की बात जब होगी, निकाय चुनाव की जब बात होगी तो बेरोजगारी की बात होगी, तब महंगाई की बात होगी, हर तबका, हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग के लोग इन सारी समस्याओं से त्रस्त हैं, लेकिन भाजपा उन पे बात नहीं करना चाहती। भाजपा बात इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि पिछड़ों का हक मार के बैठी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती ज्वलंत उदाहरण है भाई। देखिए मुस्कान जी, 69,000 शिक्षक भर्ती की ये बार बार बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, उस भर्ती में कहीं कुछ भी नहीं हुआ है।
वो बरगलाए हुए लोग हैं। अगर भर्ती में कुछ नहीं हुआ तो प्रदर्शन किस बात का हो रहा है? कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार भी लगाई है आपको? कोई कोई फटकार कोर्ट ने नहीं लगाई है। अब ये न्यायपालिका को झुठला रहे हैं, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल विवेक जी, आप तो सीधा कह रहे हैं कि आपके न्यायपालिका ही गलत है। आप तो न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, कोई फटकार नहीं लगाई। उन्होंने एक बार रिव्यू करने के लिए कहा है, उसको रिव्यू कर लिया जा रहा है। कोर्ट ने ये बात मानी है मुस्कान जी की इसमें धांधली हुई है। कहीं कोई कहीं कम से कम 6400 सीटें पिछड़े वर्ग की दूसरे वर्ग के बच्चों को दी है। गड़बड़ी उस सूची में नहीं है, उस सूची में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उस पे सरकार डबल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह जाने तैयार है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो बरगलाए हुए लोग हैं, न्यायालय का फैसला उसमें आएगा और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही इस मुद्दे पर हमारे साथ एक बार फिर से सैयद मोहम्मद तकी जी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। जिस तरीके से आप पहली बार आपकी पार्टी यूपी निकाय चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसे में जो तमाम छोटे छोटे जिलों के दल हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन आपकी रणनीति क्या होगी? आप किस रणनीति के तहत यूपी निकाय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार यूपी निकाय नहीं लड़ रही है। आम आदमी पार्टी इससे पहले कई बार चुनाव लड़ चुकी है और बहुत सारे चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने लड़े हैं। निकाय भी इससे पहले लड़ चुकी है, उससे पहले जो है हमने विधानसभा के चुनाव लड़े और हम जो है आने वाले टाइम में और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और हमारे पूरे संगठन हर वार्ड लेवल के ऊपर हमारे कार्यकर्ता संगठन तैयार हैं और बहुत सारे कैंडिडेट तैयार हैं नगर निगम को चुनाव लड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कई स्टेट्स में चुनाव लड़ा है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर आप किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा जनता की बात करती है, जनता जुड़े मुद्दों की बात करती है और वो उन मुद्दों की बात करती है जनता की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। चाहे नाली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे सीवर टैक्स का मामला हो, रोड टैक्स का मामला हो, वाटर टैक्स का मामला हो, गंदगी का मामला हो, नालियों की सफाई का मामला हो, यही मामले पे हम बात करते हैं। हमारे इतने कैंडिडेट होंगे, सब पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे और सबकी डिग्रियां जो है वो सही होंगी, इसी फर्जी डिग्री नहीं होगी। और आजकल एक गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और लोग पूछ रहे हैं कि भाई कि ये जो डिग्री का मामला चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में लोग क्या कह रहे हैं और उसको रिलेटेड लेके बहुत सारे बातें चल रही है, बात हो रही है। और बीजेपी भी जो है उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं बता रही कि प्रधानमंत्री को डिग्री लेके जो सवाल उठे जा रहे हैं उसका सही जवाब क्या है। तो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, डिग्री दिखा के चुनाव लड़ेंगे क्या? बिना डिग्री दिखाए वो चुनाव लड़ेंगे? सर, निकाय चुनाव में प्रधानमंत्री का तो फिलहाल कोई रोल नहीं दिख रहा है, यहाँ तो आम आदमी के मुद्दों की बात होगी, आम आदमी के मुद्दों पर चर्चा होगी। अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, फिर आप फिर से पीएम मोदी की डिग्री मांग रहे हैं। देखिए, क्यों नहीं होता? आज की डेट में चपरासी की पोस्ट के लिए सरकारी गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी आदमी आता है, आदमी उसकी क्वालिफिकेशन पूछता है। बिल्कुल, जब कोई किसी से रिश्ता करता है, शादी करता है, तो बहू की और दामाद की दोनों की डिग्री पूछता है, एजुकेशन पूछता है, क्वालिफिकेशन पूछता है। यहाँ शादी की बात हमारे देश के हर नागरिक को की बात है सर। तो यहाँ प्रधानमंत्री की बात है, यहाँ प्रधानमंत्री की बात है और प्रधानमंत्री की डिग्री का जानने का अधिकार हर व्यक्ति के पास है। बिल्कुल, भारत के व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है, जनता के मुद्दों का क्या, जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा? आप डिग्री मांग रहे हैं। जब प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं सही होगी तो जनता के मुद्दों कैसे समझ पाएंगे? जनता के मुद्दों समझने के लिए, उसका सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए प्रधानमंत्री की डिग्री सही होनी चाहिए, वरना वो कहेंगे नाले से गैस निकाल लो, उससे खाना पका लो, वैसी बात कहेंगे। वो कहेंगे नोटबंदी बंद कर लो, वो कहेंगे काला धन वापस आ जाए नोटबंदी बंद करने से, वो कहेंगे क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, तो इस तरह की बात करेंगे जो प्रभावित करेगी लोगों की जिंदगी को। भाई आजकल गैस महंगी हो रही है, 1100 रुपए महंगा सिलेंडर हो गया, 1150 का हो गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नाली नाली से गैस निकाल के चाय बना लिए, बताइए क्या सलूशन निकल पाएगा इस तरह से? ऐसे तो नहीं लगता कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री सर की बात करता है। देखिए मुस्कान जी, जहां तक प्रधानमंत्री जी की डिग्री का सवाल है, पब्लिक डोमेन में सारे दस्तावेज उपलब्ध है, जिसको जिसको जरूरत हो जाकर के देख ले। दूसरी चीज, ये नगर निकाय का चुनाव है। बिल्कुल, ये नगर निकाय जनता की मूलभूत आवश्यकताएं, सड़क, पानी, बिजली, नाली, करंजा, इस पर लड़ा जाता है। समाजवादी की समस्या ये है कि वो सड़क की बात संसद में करेंगे, सदन की बात सड़क पे करेंगे। आम आदमी पार्टी को यही नहीं तमीज है कि
कौन से चुनाव में किन मुद्दों पे बात होनी है। आपको प्रधानमंत्री से जिसे दिक्कत है, आपके लोग भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं। जब तक कि हमारे प्रत्याशी पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनकी डिग्री सही नहीं होगी, जनता की समाधान कैसे कर पाएंगे? जनता की समस्या का समाधान करने के लिए भी आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, फाइलों में साइन करना जरूरी है, फाइलों को पढ़ना जरूरी है, फाइलों में क्या भरना है इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। तो जब तक आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, आप तो हाई स्कूल सरपंच के लिए जरूरी हो गया हाई स्कूल पास होना। इनके डिग्री फर्जी डिग्री से कैसे सोचा निकल पाएगा? उनकी क्या डिग्री है वो भी बता देने इसको। तो ये सारी चीजें हैं, ये विषय। अरे यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग बता दीजिए, आप जो डिग्री आप लोग वायरल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग ही पढ़ लीजिए जरा। यूनिवर्सिटी की जगह पे यूनिवर्सिटी की डिग्री लिखा हुआ है। ये डिग्री आप ही लोग वायरल कर रहे हैं ना, आप ही का सोशल मीडिया चला रहा है। यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है भाई। अब इसी से आपकी योग्यता का आकलन कर लेते हैं, और दूर जाने की क्या जरूरत है भाई? जिस विषय पे डिबेट हो रही है, हाँ विषय पे आइए, विषय नगरीय निकाय चुनाव का। अब जिसको जो मुद्दे लेके आना लेके आए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी। कोर्ट को डिनाई कर दिया, नगर निकाय में बनेगी। विवेक पांडे जी, अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि यूपी में राजनीति होती है लेकिन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, लेकिन आपके भी सुप्रीमो जो है वो रायबरेली में जाएंगे, काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके जरिए ये समझ सकते हैं कि वो दलित वोटर्स को साधने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। दलित वोटर्स को आखिर इतनी अहमियत क्यों? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जो आपने पार्ट देखा होगा, वीडियो बाकायदा सोशल डोमेन में है। इनके डिप्टी सीएम जी आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी एक कार्यक्रम में गए, दलित सम्मेलन, दलित किसी की दलित क्या खिचड़ी भोज में जी। आपने देखा होगा कि वहां बैठे उस पंक्ति में बैठे सभी लोग खिचड़ी का ग्रहण कर रहे थे, लेकिन आदरणीय पाठक जी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। तो मुझे लगता है दलित प्रेम और दलित सम्मेलन कराने से केवल अगर दलितों का सम्मान आप दे सकते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। और बात जब दलित की होगी, बात जब पिछड़े वर्ग की होगी, तो मैं तो सवाल ये उठा रहा हूं कि पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती, देखिए इन्होंने स्वयं स्वीकार भी कर लिया कि भाजपा नहीं मानती, अब न्यायालय के भी आदेशों को भाजपा नकार देती है। एनसीआरबी के आंकड़े तो छोड़ दीजिए, नीति आयोग तो छोड़ दीजिए, ये तो न्यायालय को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात, इन्होंने अभी तक, अभी आपके सामने कहा ना कि कोई भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो नेशनल जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया कि सरकार की छवि धूमिल कर रहा है वो? भाई मैं तो ये सवाल उठाऊंगा, 2021 की यूपी एसआई स्कैम मुस्कान जी, जिसमें कि 60 से अधिक एफआईआर में 30 से अधिक सेंटर मालिक, 150 से अधिक लोग नामजद, और 200 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है। इतने बड़े स्कैम के बाद भी उन प्रशिक्षण जो प्रशिक्षु हैं उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको आपने ट्रेनिंग पे भेजने का काम किया। भाई जो योग्य थे वो बिल्कुल जाएं, जो योग्य थे बिल्कुल जाएं, लेकिन कोई एसआईटी गठित नहीं की गई, ना कोई एसआईटी गठित की गई, ना कोई सीबीआई जांच की गई, और ना उसकी इंक्वायरी कमेटी गठित की गई। इतने बड़े भ्रष्टाचार पे सोचिए ये सरकार मौन है, तो इसकी जड़ें कहां तक है? लोकतंत्र में अगर आप इतने बड़े भ्रष्टाचार के उजागर होने पे अपने उपलब्धि दिखा रहे हैं आप इसको, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपक्वता की कमी है, क्योंकि उसमें हर वर्ग के बच्चे थे जिनका हक मारने का काम किया गया। आप जानती नहीं होंगी शायद, 15 लाख से 50 लाख तक के रेट जातियों के आधार पर उसमें पकड़े हैं एसटीएफ ने, लेकिन इतने बड़े भ्रष्टाचार पे, क्योंकि भ्रष्टाचार भाई डीजीपी कार्यकारी क्यों है, सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि जो डीजीपी स्थायी नियुक्त होगा कहीं ना कहीं उसके ऊपर इसके छींटे आएंगे, कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के इस घोटाले का इस जो चरित्र उजागर हुआ है, जो हाईकोर्ट में लंबी थी ये भर्ती, और उस सदन में इनके खन्ना जी ने क्या कहा था कि हाईकोर्ट में ये डिटेक खारिज हो चुकी हैं। अब आप सोच लीजिए इनका चाल क्या है, इनकी चरित्र क्या है, और इनकी सोच क्या है, इनकी परिपक्वता क्या है, इनकी समझ क्या है, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ केवल और केवल संतुलित राजनीति कर रहे हैं वोट लेने के लिए। लेकिन विकास की जब आप बात करेंगे, जब आप अभ्यर्थियों की बात करेंगे, भाई क्या उसमें पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी नहीं थे? क्या उसमें मुस्लिम अभ्यर्थी नहीं थे? 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती 16-17 की इन्होंने आते ही रद्द कर दी थी ऑर्डिनेंस पास करके, जबकि वो हाईकोर्ट से जीत करके आए थे। उस भर्ती में कोई घोटाला नहीं था, लेकिन एक शब्द लगा था उर्दू, उस उर्दू में ये ढूंढना भूल गए कि उसमें हर वर्ग के लोग थे, हर बिरा हर जाति के लोग थे, लेकिन सिर्फ उर्दू शब्द से था। 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती रद्द करके ये सरकार इतनी अपरिपक्व है, मदरसों के आधुनिकीकरण की बात करती है। अरे जब शिक्षा की होगी, शिक्षा की नहीं होंगे मदरसों में आधुनिकीकरण कैसे करेंगे? पैसा लगाने से आधुनिकीकरण होता है क्या भाई? जब पढ़ाने वाले ही नहीं होंगे पढ़ाएगा कौन? और एक बात पे आता हूं मैं आपको, इनकी अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण आया भाई, बात हो रही है अब निकाय चुनाव की,
सामाजिक रूप से जमीनी चुनाव होता है ये। अभी कुछ दिन पहले प्रकरण आया आरिफ और सारस वाला मामला, आरिफ और सारस के मामले में आरिफ के ऊपर FIR हो गई क्योंकि उसने सारस की रक्षा की, सारस को संरक्षित किया, सारस को खिलाया पिलाया, उसको बचाया। उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई करते जिनको ये पता था कि सारस वहां पे पल रहा है, पोषित हो रहा है, लेकिन उन्होंने तब जाके सुध नहीं लेने की जरूरत समझी, तब जाकर के सारस को लाने बचाने उसका इलाज करने की सुध ना ली। उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने की जगह आरिफ के ऊपर, बेचारे के ऊपर FIR करा दी इन्होंने। क्यों? अखिलेश यादव मिलने चले गए थे, लोकप्रियता बढ़ रही थी, नैसर्गिक लोकप्रियता बढ़ रही थी, इस वजह से सारस आरिफ के ऊपर कार्रवाई कर देती है सरकार। आप सोचिए पशु पक्षियों से लेकर के मनुष्य के जीवन तक ये सरकार पूरी तरह से नैसर्गिक विरोधी सरकार है। लेकिन विवेक जी, यूपी में सारस की राजनीति आखिर कब तक होगी? क्या कभी आप तीनों में से ही कोई कभी वार्ड पर उतरा है, उसने देखा है कि सड़कों पर गड्ढे कितने हैं? क्योंकि हमारी टीम लगातार वो जनता के बीच जा रही है, हर वार्ड का सर्वे कर रही है, और तकरीबन लखनऊ में कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर आज भी गड्ढे है, जहाँ पर आज भी सड़कें खस्ता हाल है। उसका क्या? आप सब दलित वोटर्स की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, साधने की बात कर रहे हैं वोटर्स को, लेकिन जो जनता परेशान है उसका क्या? उनके मुद्दों को कौन उठाएगा? विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके एक बस में 10 सेकंड लूंगा। मैं आपके मन से इन मुद्दों को, मैं बल्कि आप प्रवक्ता बैठे हैं, ये भाई ये तो बोलते हैं कि गड्ढे है ही नहीं, इनको तो रनवे दिखाई देता है यूपी में, ये तो अभी कहेंगे। देखिए अगला शब्द यही होगा कि गड्ढे तो भर दिए गए हैं और रनवे की तरह रोड है, मतलब सड़कों पे आप गाड़ियों को उड़ा सकते हैं। अभी देखिएगा ये वक्तव्य आने वाला है, क्योंकि लखनऊ जैसे राजधानी के परिक्षेत्र में पेयजल में बालू आ रहा है, इनको नहीं दिखाई देता, लेकिन पानी इनको बिस्लेरी की तरह साफ दिखाई दे रहा है। और ये बात करेंगे बुंदेलखंड की, पिछली सरकारों की 70 साल की, अभी देखिएगा दिल्ली भी चले जाएंगे शराब नीति पे, लेकिन गड्ढे भरे जा चुके हैं, क्योंकि 100 दिन में भरने थे, हालांकि दूसरा कार्यकाल है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं है। एक अच्छा प्रशासक होता है जो मॉनिटरिंग मजबूत रखे। भले भाई 75 जिले हैं, काम बहुत है, तो अब आप इनका देखिएगा अगला वक्त भी यही आएगा, ये पूर्ववर्ती सरकारों पे जाएंगे और दिल्ली चले जाएंगे। जी जवाब दीजिए। देखिए जी विवेक जी, देखिए मुस्कान जी, हमारे समाजवादी मित्र ने जितने आरोप लगाए, चाहे वो पानी का विषय हो जी, चाहे गड्ढों का विषय हो, सब पे हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। मैंने कहा था देखिए, सीवर हैवी ड्यूटी सीवर जब आपके स्मार्ट सिटी में पड़ेगी तो जगह जगह इस तरह की दिक्कतें तो सड़क टूटने की आएंगी। साफ सफाई हमारे शासन काल में अन्य सरकारों से बहुत अच्छी है, दोनों टाइम बाजारों में झाड़ू लग रही है। कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, शिक्षक भर्ती का रोना रो रहे हैं जी। उसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, इनको दिखता है, देखते रहे। हमारी सरकार न्यायालय में उसका जवाब देने के लिए तैयार है। इसी तरीके से जिन जिन SI भर्ती से लेकर के जितने सिजरे गिरा गए, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो रेट बता रहे हैं वो समाजवादी कालखंड का रेट बता रहे हैं। मैं आपको अभी आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ खबरों की, न्यूज़पेपर की कटिंग भेजता हूँ आपको, और किसकी सरकार है वो भी देख ले। अब आप अखिलेश जी को मुख्यमंत्री मानते हैं, उसमें हमारी कौन सी गलती है? आप अखिलेश जी को आज तक मुख्यमंत्री मानते हैं तो ये हमारी गलती है क्या? आप मानते हैं ना कि योगी जी के अंदर आपको मुख्यमंत्री की छवि नहीं दिखाई देती है, और अखिलेश जी के किए कार्यों का ही फीता काट रहे हैं भाई। सुन लीजिए आपको मैंने सुना, आपने भड़ास निकाली, मेरा जवाब। अरे भड़ास क्यों निकालूंगा भाई, मेरा कोई व्यक्तिगत मसला थोड़ी है। आपने सारस का विषय उठाया, नगर निकाय का चुनाव है, इसमें सारस वारिस से क्या वास्ता है इस विषय का? अगर आपको सारस को वारिस क्या रखना है तो वन्य जीव अधिनियम जो बना हुआ है उसमें आग लगवा दीजिए। अगर कर्मचारी वन्य जीव अधिनियम का पालन कर रहे हैं तो आप कहते साहब FIR कर दिया, ठीक है आपके पास कोई घायल सारस आया था, आप उसका इलाज करके उसको अधिकारियों को सौंप देते। वन्य जीव अधिनियम के तहत जानते हैं कि उसको निजी तौर पर पालना दंडनीय अपराध है। सारस की पहली वीडियो ही वायरल हुई थी क्या अखिलेश जी के साथ? उसके पहले भी तो सारस की कई वीडियो आरिफ के साथ थी। आपके अधिकारी सो रहे थे क्या तब? सर आप सभी निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, मुद्दा हमारा निकाय चुनाव की रणनीति पर है, आप लोग सारस से ही नहीं बाहर आ पा रहे। विकास की बात है, यहाँ के मुद्दों की बात है, यहाँ की जनता की परेशानियों की बात है, लेकिन यूपी की राजनीति सारस से ही बाहर नहीं आ रही है। जी सही है जी, बोलिए मुस्कान जी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, अब अगर मैं
जवाब ना दूं। देखिए भाई, ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, इससे पहले कई बार मैंने रखा है कई पटल के ऊपर संविधान कि उत्तर प्रदेश में गड्ढों का बुरा हाल है। नासा का अंतरिक्ष यान जो है वो चांद समझ के उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर गया था कि उसको गड्ढे यहाँ बहुत ज्यादा लगे, तो इंटरसेप्ट किया तो उसको लगा कि चांद सकी सकते हैं। इतने गड्ढे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों में, पर आप कहीं निकल जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर किसी एरिया में, आपको बहुत गड्ढे नजर आएंगे। और सरकार जो दावे करती थी कि 100 दिन में गड्ढे बढ़ जाएंगे, इतने दिन में गड्ढे बढ़ जाएंगे, बजट भी निर्धारित हुआ, पैसा भी दिया गया, लेकिन उसके बाद जो सड़कें बन रही, सड़कों का हाल देखा आपने, किस तरह सड़कें बनी है, वो एकदम मुंह की तरह सड़कें हैं, जरा सा आप ठोकर मारिए सड़कें उड़ जाती है, तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जो मुझे लगता है सारा मामला लेते के डिग्री का ही आ जाता है, अगर लोगों की डिग्री सही होती है, असली होती और ठीक ढंग से ले गई होती, तो जनता की समस्याओं का सही समाधान दे पाते। अगर इसकी डिग्रियां सही नहीं है, इसने पढ़ा ठीक से नहीं है, समझा ठीक से नहीं है, वो समाधान कैसे दे सकता है? इंजीनियरिंग की डिग्री सही होनी चाहिए सड़क बनाने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री सही होनी चाहिए घर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो जब डिग्रियां सही नहीं, जी मैं बोल रहा हूँ जब डिग्रियां सही नहीं है तो जनता की समस्या का समाधान कैसे निकला जाएगा? जब शिक्षा सही से नहीं आई है और समझ से समझ नहीं है, सोशल फैब्रिक की समझ नहीं है, सोशियोलॉजी की समझ नहीं है, पॉलिटिकल साइंस समझ नहीं है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, तो वो प्रॉब्लम तो इशू तो आएंगे, वो हर जगह दिखाई देगा। तो आपको दिख रहा जो गड्ढे जो है वो गड्ढे नहीं डिग्रियां है, वो डिग्रियां सही नहीं थी तो गड्ढे सही कैसे होंगे? जब डिग्रियां सही होती तो सड़कों गड्ढे सही होते, डिग्रियां सही होती अस्पतालों में सही इंतजाम होते, डिग्रियां सही होती तो पानी साफ आता, डिग्रियां सही होती तो भ्रष्टाचार नहीं होते, डिग्रियां सही होती तो लोग इतने परेशान नहीं होते, डिग्रियां सही होती तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, डिग्रियां सही होती तो गंगा साफ होती, डिग्रियां सही होती तो ये जो इतना अत्याचार हो रहा महिलाओं के ऊपर खिलाफ उठ जाती, डिग्रियां सही होती तो भ्रष्टाचारियों को पार्टी में दिया जाता, डिग्रियां सही होती तो भ्रष्टाचारियों को सजा मिलती, डिग्रियां सही होती जज के न्यायालय के आदेश को उल्लंघन होता, उसके ऊपर मतदान न किया जाता। जब डिग्रियां सही नहीं है तो ये सारा परेशानी इसीलिए हो रही है, तुम बीजेपी की समस्या की जड़ के अंदर डिग्री है, जेल में है तो सही नहीं है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, वो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, वो रोमन टाइप में लिखी हुई है, कंप्यूटर से पहले डिग्री निकली थी लेकिन रोमन टाइप में निकली थी, माइक्रोसॉफ्ट का बेटा था उसके ऊपर, तो डिग्रियां का सही नहीं है, सब किसी की बातों पर नहीं सही होती। आप लोग एक-एक करके अपने जवाबों को रखिए, अरे अपनी खुद की डिग्री बताओ क्या है कट्टर बेईमान, अरे मेरी डिग्री तो बीए है, बीएससी है, बीए और लॉ है, मेरी डिग्री तो लिखी दिखा रहा हूं, अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें विवेक श्रीवास्तव जी, आप अपने शब्दों की मर्यादा को बिल्कुल लांघने की कोशिश मत करिए, क्योंकि पूरी जनता इस मुद्दे को देखती है, हमारे चारों को देखती है। अपनी पत्नी को पीटने वाले सोमनाथ भारती इनकी पार्टी के नेता है, ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये डिग्री बता रहे हैं, जिनकी डिग्री आती सोमनाथ सतेंद्र जैन की, मनीष सिसोदिया को तो जेल पहुंच गए, बड़ी भारी डिग्रियां लेके आए थे, शराब घोटाला कर गए, शराब का पैसा गोवा से लेकर हैदराबाद तक गया, के कविता तक गया, दिल्ली सरकार का खजाना खाली है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं रिलीफ नहीं मिली, जेल पहुंच गए, सतेंद्र जैन 10 महीने से जेल में है, 22 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, नाबालिग से बलात्कार के आरोपी से बाहर करा रहे हैं। देखिए बहुत जमीनी चुनाव है, चुनाव की तैयारियां होंगी, चुनाव पे बात होगी। उत्तर प्रदेश का एक किसान, गाजियाबाद का शायद प्रकरण है, और सुशील कुमार ने अपने हाथ की नस काट ली क्योंकि उनकी जमीन पे कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था, और उसी कटी हुई नस का जो रिश्ता हुआ खून था उससे उन्होंने उस शिकायती पत्र को बाकायदा रंग करके वहां प्रेषित कर दिया, छोड़ दिया, और उसके बाद अब उनकी मृत्यु हो गई, ये सुनने में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार जमीनी धरातल पे आम जन भावना के अनुरूप कार्य नहीं करती है, जो सरकार केवल और केवल अवैध भ्रष्टाचारों को, पार्टी के जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको संरक्षित करके बुलडोजर जैसा मॉडल दिखाने का प्रयास करती है, और एक मॉडल पेश करती है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल में रामनवमी के दिन क्या हुआ वो सोशल मीडिया सोशल डोमेन में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसने इस देश को लूटने का काम किया, सबसे ज्यादा भगौड़े इस देश के गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उस मॉडल को थोपना चाहते हैं पूरे देश पे, जो कि आम जनमानस समझ चुका है, क्योंकि उन भगौड़ों का आज जितना पैसा है वो आम जनता के जेब से वसूला जा रहा है, लूटा जा रहा है बाकायदा, कभी मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे, कभी ट्रांजेक्शन चार्जेस के नाम पे, कभी अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने के नाम पे, कभी सुविधाओं के नाम पे। तो मुझे लगता है कि आम जनमानस, देखिए महंगाई
दिल से त्रस्त है। इनकी आर्थिक विफल नीतियां जो है वो आम जनमानस की कमर तोड़ चुकी हैं और अब कोई चुनाव ये लड़ ले केवल और केवल इलेक्शन कमीशन ही इनका एक सहारा हो सकता है, आम जनता इनका सहारा नहीं है। बिल्कुल, तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से जब हमने निकाय चुनाव पर चर्चा करने की कोशिश की तो साफ तौर पर सभी जो है कोई सारस के मुद्दे पर आ गया, कोई इस मुद्दे पर आ गया कि अपनी डिग्री दिखाइए, लेकिन किसी ने एक बात का जिक्र नहीं किया कि इस निकाय चुनाव में हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, हम जनता के मुद्दों को सुलझाएंगे और जनता के विकास के लिए और जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि 2024 से पहले 2023 का जो ये निकाय चुनाव है इसे एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। लेकिन हमने जब बात करने की कोशिश की सभी पार्टी के प्रवक्ताओं से तो किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि वो लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि आज भी यूपी की राजधानी अगर लखनऊ की बात करें तो तमाम कई ऐसे वार्ड है जहां पर आज भी गड्ढे हैं, जहां पर आज भी लोग स्ट्रीट लाइट के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आज भी जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी